जिस तरह ये टूर्नामेंट जो स्टार्ट हुआ था 26 अगस्त को इसकी ओपनिंग हुई थी, जिसमें आल कराची कैप्टन बशीर अहमद मेमोरियल यादगार टूर्नामेंट ये चला है यहाँ पे और कामयाबी थे। आज ये तकरीबन लास्ट क्वार्टर फाइनल है, इसके बाद दो सेमीफाइनल एक फ़ाइनल होगा इंशाल्लाह। ये टोटल 134 टीमों ने हिस्सा लिया टोटल कराची से, और हमें बहुत खुश हूँ एज ए चेयरमैन आज़ाद 11 और मेरी टीम और हमारे जो मेजरमेंट है सब ने साथ दिया, और यहाँ के मौजूदों ने सियासी समाजी लोगों ने सब ने हमें सपोर्ट की, ख़ासतौर पर GFS ने जो स्पॉन्सर किया हमें उसके भी हम शुक्रगुजार हैं, जिसने हमें नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए हमें हर दिन हर वक्त हम हर पल हमारे साथ रहे। और आज भी जैसे ज़ाहिर मेहमान आया हमारे मौजूद हमारे समाजी रहनुमा पीपल पार्टी के रहनुमा हमारे साथ बैठे हुए हैं और वो आए हुए, आज आप क्राउड भी देख सकते हो। और सेमीफाइनल इंशाल्लाह 16-17 को होगा और फाइनल इसका संडे को होगा इंशाल्लाह। मैं सबको दावत देता हूँ, इलाके के मौजूदों को, शायके फुटबॉल को, सबको कि आओ इन नौजवानों की हौसला अफजाई करो। ये फुटबॉल गेम ऐसी है जो मलीर से नहीं पूरी कराची के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पे क्राउड जो पहले इफ्तिदा मैच से ही माशाल्लाह, कि आज वर्किंग डे पे क्वार्टर फाइनल है, फिर भी ये नौजवान शौकी शायद हमारा जो एक मकसद होता है ना कि हम नौजवानों को ग्राउंड तक ले आएँ, वो हमारा मकसद तकरीबन कामयाब हो गया। हमारी टीम का भी लेकिन पूरे मलीर कराची का टोटल कराची का एक जज्बा बढ़ा है और हमारे मोदी भी हमारे साथ दे रहे हैं कि आप आइंदा भी ऐसा प्रोग्राम रखो ताकि हमारे नौजवान जो आगे बढ़े।